हाय गाइस, मेरा नाम मन्ना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सैमसंग J700 ऐप का FRP अनलॉक कैसे कर सकते हैं आप अपने Z3 Xbox से। तो दोस्तों, पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सैमसंग जो है, कोई भी मॉडल है उसका जो है FRP अनलॉक करने का तरीका जो है अलग अलग होता है। तो हर मॉडल का तरीका जो है अलग अलग होता है। तो मैं इस वीडियो में आपको करके दिखाने वाला हूँ कैसे आप जो सैमसंग J700 ऐप का जो FRP अनलॉक कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मनाना YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है पहले से ही और आपने अभी तक इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया है, आप इस घंटे को जरूर दबाएं। आप सोचेंगे कि इस घंटे को दबाने से क्या होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा, आप इस घंटे को दबाएंगे तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने Z3 Xbox को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद उस पर मैं आपको यहाँ थोड़ा सा दिखा दूँ कि आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना मॉडल नंबर सेलेक्ट करना होगा। फिर तो चलिए, हमने अपने मॉडल नंबर को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक तरफ मोबाइल दिखा रहा हूँ कि जिस मोबाइल को हम FRP अनलॉक करेंगे उस मोबाइल को मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं सैमसंग J700 ऐप का ये मॉडल है और इस मॉडल में जो FRP लॉक है आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें FRP लॉक है। यहाँ पे हम इसे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन जो है बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है नेक्स्ट करने का जो ऑप्शन बिल्कुल आ ही नहीं रहा है। इसे हमें करना क्या होगा कि इसे हमें अपने Z3 Xbox से जो है यहाँ पे इसे कॉम्बिनेशन फाइल से फ्लैश करना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इसे कॉम्बिनेशन फाइल से हमें फ्लैश करना होगा। तो चलिए हम कॉम्बिनेशन फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमें रिबूट टू फ्लैश पे क्लिक कर देना है। हमारा मोबाइल डाउनलोडिंग मोड पर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। जब तक हमारा मोबाइल डाउनलोडिंग मोड पर नहीं जा सकता यहाँ पे फ्लैश नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले अपने मोबाइल को जो है डाउनलोडिंग मोड पर लेकर के जाना होगा। तो यहाँ पे रिबूट टू फ्लैश पे हमें क्लिक करना है, हमारा मोबाइल जो ऑटोमेटिकली जो है डाउनलोडिंग मोड पर चला जाएगा। उसके बाद हमें इस कॉम्बिनेशन फाइल से फ्लैश कर देना है और कॉम्बिनेशन फाइल से फ्लैश करने के बाद भी हमारा FRP अनलॉक नहीं हो पाएगा। उसके बाद हमें इसे फ्लैश फाइल से भी फ्लैश करना होगा इस मोबाइल को। उसके बाद हमें इसका FRP अनलॉक करना होगा। तो ये सारी की सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से इसका FRP हम अनलॉक कर सकते हैं। कि दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखें और ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, इसके बाद हमारा फोन जो है कॉम्बिनेशन फाइल से फ्लैश होने के बाद हमारा फोन जो है रिस्टार्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है रिकवरी मोड पे आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे रिबूट कर देना है, रिबूट पे क्लिक कर देना है और उसके बाद हमारा फोन जो है ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा मोबाइल ऑन होने लगेगा। ऑन होने के बाद कुछ अलग तरह का जो है इसमें इंटरफेस आपको दिखेगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब ये मोबाइल भी ऑन होगा इसमें इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। और यहाँ पे आपको सिर्फ सेटिंग नजर आएगा। यहाँ पे आपको मेनू पे क्लिक कर देना है और सेटिंग में जाना है। और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको जो है इसका जो डेवलपर ऑप्शन है उसे आपको बाहर निकालना है और USB डिबगिंग जो है आपको जो है इनेबल कर देना है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको बिल्ड नंबर पे 7 बार आपको जो टैप करना है, क्लिक करना है आपको जो है। और उसके बाद यहाँ इसका जो डेवलपर बाहर आ जाएगा। उसके बाद आपको USB डिबगिंग जो है आपको इनेबल कर देना है यहाँ से। उसके बाद इसे आपको कुछ नहीं करना है। और उसके बाद आपको फिर से डाउनलोडिंग मोड पर ले जाना होगा मोबाइल को। और उसके बाद आपको फ्लैश फाइल से इस मोबाइल को फ्लैश करना होगा।
तो दोस्तों आपको यहाँ पे फिर से मोबाइल को रिबूट टू फ्लैश पे क्लिक करना है। ये मोबाइल जो ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग मोड पर चला जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फ्लैश फाइल जो है आपको सिलेक्ट करना है, जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी तरह से आपको फ्लैश फाइल सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद आपको फ्लैश करना है। तो दोस्तों कंप्लीट फ्लैशिंग होने के बाद हमारा मोबाइल जो फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा, और रिस्टार्ट होने के बाद फिर से हमें इस मोबाइल को जो है डाउनलोडिंग मोड पर लेकर जाना होगा। उसके बाद हमें इसका जो FRP डायरेक्ट अनलॉक करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल जो ऑन हो चुका है, लेकिन फिर भी इसका जो FRP अनलॉक नहीं हुआ। यहाँ पे अभी तक जो स्कीप का ऑप्शन नहीं आया। तो लास्ट आपको आखिरी में आपको बता रहे हैं दोस्तों कि इसका जो FRP हमें अब अनलॉक करना है। तो फिर से हमें इस मोबाइल को जो है डाउनलोडिंग मोड पर लेकर के जाना होगा। रिबूट टू फ्लैश पर यहाँ पे क्लिक करना है। ये मोबाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग मोड पर चले जाएगा। उसके बाद हमें डायरेक्ट जो है इसका FRP अनलॉक करना है यहाँ पे। तो दोस्तों हमने FRP अनलॉक कर दिया है डायरेक्ट। उसके बाद ये हमारा मोबाइल जो रिस्टार्ट होने के बाद, जब हमारा मोबाइल ऑन होगा तो ऑटोमेटिकली इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये मोबाइल डायरेक्टली जो ओपन हो जाएगा पूरी तरह से, और इसका FRP लॉक जो बिल्कुल अनलॉक हो जाएगा।
तो दोस्तों आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन को अभी तक प्रेस नहीं किया तो उस घंटे को आप जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप आसानी से देख सकें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।